हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। तो आज की वीडियो आपके ही दिए गए सजेशंस के ऊपर होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपसे पोल लिया था कुछ ऑप्शंस देकर कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैंने इसमें दो ऑप्शंस दिए थे, इग्नू असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस और इग्नू हैंड रिटन असाइनमेंट सैम्पल्स। आप लोगों ने सबने वोट करके 64% वोट दिया है इग्नू असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पर। इसके ऊपर मैंने ये भी लिखा था कि अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें हमें कमेंट भी रिसीव हुआ है कि प्रैक्टिकल सेशंस पर एक वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में हम कुछ असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में से। मैंने सब में से ढूंढ कर आपके दो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस निकाले हैं, जो सारे सेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके असाइनमेंट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ पेजेस का आपका असाइनमेंट बनना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आप गूगल या चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को कॉपी करने के लिए, उनको फ्रेम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन दो क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के अलावा, प्रैक्टिकल सेशन के अलावा भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें इस पोल के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ये पोल भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे ही कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए या आपको किस चीज़ में ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट एज अर्ली एज वी कैन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेजेस शुड एन आइडियल असाइनमेंट हैव। कितने पेजेस का एक इग्नू का असाइनमेंट होना चाहिए जिस पे आपको कुछ ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएं बिना कोई और गाइडलाइन भी फॉलो करें। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको हर असाइनमेंट को 30 पेजेस स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है और हर असाइनमेंट 10 पेज का भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है वर्ड लिमिट और मार्क्स जो हर क्वेश्चन के आगे लिखे होते हैं। अगर सपोजिडली आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो आप उसमें 5 to 6 पेजेस लिख सकते हैं अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स ये सब हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांटिटी पे ना फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस करें। बिकॉज इकोनॉमिक्स के जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, उनमें वर्ड लिमिट और उनमें मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है या नंबर ऑफ पेजेस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना क्वालिटी कंटेंट पे दिया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में ग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं 2 पेजेस में भी, दैट वुड बी इनफ आपको मार्क्स दिलवाने के लिए। बट येस, अगर आपका थ्योरेटिकल असाइनमेंट है तो आप उसके अंदर अपने पेजेस को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि वर्ड लिमिट कैसे काउंट करते हैं, वर्ड लिमिट हमें कैसे पता लगेगी। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप अपनी वर्ड लिमिट कैसे देख सकते हैं। अगर 1000 words में आपको कोई आंसर करना है तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं आपके एक पेज पर कितने वर्ड्स आ रहे हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल है हैंड रिटन पेज का, MEG 3 ब्रिटिश नॉवल। ये एक रैंडम असाइनमेंट का पेज है जो हमने बनवाया था। मैं इसके थ्रू आपको ये समझाने वाली हूँ कि आप वर्ड लिमिट कैसे काउंट कर सकते हैं। वर्ड लिमिट एक बहुत प्रिसाइज कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आपको एक एक वर्ड काउंट करना है, कि डू यू थिंक 3 words हो गए तो आपके एक लाइन में 6-7 words आ रहे हैं। नहीं, आपको एक रफ़ आइडिया लेना है जो भी आपके बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग नॉवल डिसाइडेड रिटर्न, आपने ये ऊपर ऊपर से काउंट करने हैं। ये द, आई, टू, ए, एन सब छोड़ देने हैं। अगर हम इसके हिसाब से काउंट करें तो हमारे फर्स्ट लाइन में आफ्टर कंप्लीटिंग नॉवल डिसाइडेड रिटर्न 5 words आ रहे हैं हमारी एक लाइन में। आप नेक्स्ट लाइन में भी ट्राई करेंगे तो कोट टॉम जॉन्स ऑर्डर
अंडरस्टैंड, इसमें भी 5 वर्ड्स आ रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज हमारी एक लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे हैं. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपका आंसर जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपको वहाँ से लाइंस काउंट करनी शुरू करनी है. आपको एंड तक, जहाँ तक आप लिख रहे हैं, आपने वहाँ तक लाइंस काउंट करनी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. अगर मान लें कि ये 20 लाइंस हैं जिनमें हमने ब्लू पेन से आंसर लिखा है, हमारे एक लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि ये आंसर इस पेज पर 100 वर्ड्स कंटेन कर रहा है. तो अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, तो एक पेज से डेढ़ पेज तक इनफ होता है आंसर, क्योंकि नॉर्मली एक एवरेज शीट में 20-25 लाइंस होती हैं. आप अपनी शीट में लाइंस काउंट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स काउंट करके उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स आपके एक पेज पर बैठ रहे हैं. नाउ आई थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट कि आपको कितने पेजेस लिखने हैं असाइनमेंट में, रैदर देन ये पूछने के कि हमें मार्क्स के एसोसिएटेड कितने लिखने हैं. अगर 20 मार्क्स का आंसर है और आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, तो आप 2-3 पेजेस विद क्वालिटी कंटेंट भी लिख सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो बी अनफ. अगर आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है तो पॉइंट वाइज आंसर्स बना सकते हैं, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. 800 वर्ड्स लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. मैं वापस बता दूँ, ये बहुत प्रिसाइज कॉन्सेप्ट नहीं होता है वर्ड लिमिट का. तो अगर आपका कोई 1-2 पेज ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं, वो एक एक वर्ड बैठ के काउंट नहीं करते हैं. वो एक एवरेज शीट, नंबर ऑफ शीट्स देखते हैं कि उन्होंने कितनी फिल करी हैं इतनी वर्ड लिमिट पर. तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है, कैन वी यूज़ गूगल और चैट जीपीटी टू फ्रेम आर आंसर्स. ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हर वीडियो के नीचे यही कमेंट आता है, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया है बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन डाल के उसमें से आंसर फ्रेम करना. तो इसका आंसर येस, नो, मे बी. आई वुड प्रेफर टू गिव मे बी, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप यूज़ करिए, बट ब्लाइंडली कॉपी मत करिए. आप पूरा का पूरा ही उठाकर चैट जीपीटी से अगर डाल देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पूरा ही गूगल से उठाकर डालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो कोशिश ये करिए कि आप अपने स्टडी मटेरियल से, अगर आप आंसर्स खुद फ्रेम करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टडी मटेरियल से, गूगल से और चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत रीड करके, थोड़ा बहुत पढ़ के उनको आंसर्स को फ्रेम करिए, अगर आपको उन आंसर्स को फ्रेम करके असाइनमेंट सबमिट करना है. नहीं तो मार्केट में पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, वो भी मिक्स कंटेंट ही होता है, उसमें भी आपको पीडीएफ, जो आपका स्टडी मटेरियल होता है, वो गूगल, चैट जीपीटी सब कुछ मिक्स करके ही दे रखा होता है उन पीडीएफ्स में. तो अगर आप खुद से फ्रेम करना चाहते हैं तो आप गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं. एंटायरली और ब्लाइंडली कॉपी करने का सजेशन मैं आपको नहीं दूंगी, बट अगर आप फिर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. मार्क्स तो मेजरली प्रेजेंटेशन पर भी मिलते हैं और आंसर के क्वालिटी कंटेंट पर भी मिलते हैं, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, द फाइनल डिसीजन इज़ विद यू. तो मैं तो आपको आंसर करूँगी कि मे बी आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, मेरे सजेशन से थोड़ी बहुत हेल्प ही लीजिएगा, पूरा कॉपी मत करिए. और अगर आप असाइनमेंट्स में कोई हेल्प चाहते हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स में, हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स में, सॉफ्ट कॉपी में, पीडीएफ सॉल्यूशंस में, या एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में, न्यू एडमिशन लेने में, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में, आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर्स पर रीच आउट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई इग्नू से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर, किसी सर्टेन टॉपिक पर हमें वीडियो अपलोड करनी चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट दिखाया था शुरू में, आप वहाँ पर भी जाकर अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली पिक इट अप इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. Thank you.